देन फोकस कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी आएगा भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, आप लोग थ्योरी मांग लीजिएगा, लिखवाएंगे नहीं समझाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरे भाषा में हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर में पूंजी का ढांचा क्या होगा, माने कितना पैसा अपना होगा, कितना पैसा लोन का होगा। दूसरे भाषा में बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रेशियो ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड माने अपना पैसा, बोरोड फंड माने लोन का पैसा, दोनों का रेशियो को हम क्या कहेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का ऐसा रेशियो जो ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम वेल्थ देता है, मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, इसे कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। माने जो भी पूंजी है उसका हम पूरा पूरा प्रयोग करिए, पूरा पूरा प्रयोग किए और उससे हमें मैक्सिमम वेल्थ जनरेट हुआ, इसे कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। माने पूरा पूरा प्रयोग करके हमसे हम सबसे ज्यादा कैपिटल को क्या, वेल्थ को क्या किए, जनरेट, इसे कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखवाए हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी विच विल मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द फर्म। जो क्या कर रहा है, फर्म का वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहा है। फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या विशेषता हो सकता है? पहला मैक्सिमम रिटर्न, सबसे ज्यादा रिटर्न दे, सबसे ज्यादा कमाई दे। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का विशेषता होता है कि सबसे ज्यादा कमाई दे, लेस रिस्की रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, लेस रिस्की फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी रहे और क्या, कंट्रोल, हमारा कंट्रोल बना समझ पा रहे हैं। तो पता चला कि भाई कैपिटल को कुछ कोई देख करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया, तो कंट्रोल का भी दृष्टि देखना होगा। तो एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का विशेषता है मैक्सिमम रिटर्न, लेस रिस्की, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी, कैपेसिटी कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और है, हाई गियर और लो गियर। हाई गियर का मतलब होता है ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जिसका कैपिटल गियरिंग रेशियो हाई है, इसे कहते हैं हाई गियर। लो गियर का मतलब होता है ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसका कैपिटल गियरिंग रेशियो लो है, माने इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, लो गियर। तो दो तरीका कैपिटल स्ट्रक्चर, हाई गियर, लो गियर, जहां ज्यादा रिटर्न आएगा वहां पे हाई गियर, जहां कम रिटर्न आएगा लो गियर। द कैपिटल स्ट्रक्चर सेड टू बी हाई गियर व्हेन कैपिटल गियरिंग रेशियो इज हाई। द कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लो गियर when capital when capital gearing ratio is low, समझ रहे हैं, high gear low gear मिली गाड़ी में। उसके बाद लिखवाए थे हम कि भाई capital structure को ध्यान निर्धारित करते समय कौन कौन सा बातों को ध्यान रखना चाहिए, capital structure तय करते समय कौन कौन सा बात को ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है trading on equity, trading on equity को ध्यान में रखना चाहिए, degree of control को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई पैसा दिए और हमारे ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर ले, हमारे बिजनेस को हैक कर ले, छीन ले। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल को ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल मार्केट कंडीशन को आपको ध्यान रखना चाहिए, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग कितना दिन के लिए पैसा चाहिए इसको ध्यान रखना चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल खर्चा कितना आएगा इसको ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, समझ रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कितना कमाई होगा, कैश इनफ्लो कितना होगा, ये सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट वाइज बात करें तो क्या होगा, ट्रेडिंग एंड इक्विटी हो जाएगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी, लीगल रिक्वायरमेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कैश इनफ्लो आपका कितना रहने वाला, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समझ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये सारे के सारे बातों को ध्यान रखना होगा। हाई गियर लो गियर समझ में है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है, पब्लिक डिपॉजिट मींस फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक बाय गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे करके जनता से रुपया लेते हैं इसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट, जब जनता से पैसा लेंगे इसे क्या कहते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। इट इज अनसिक्योर्ड लोन, ये अनसिक्योर्ड होता है माने डूब भी सकता है, अनसिक्योर्ड होता है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े आपका ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। सुनिए, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब पूंजी ले लिए, जो हमें पैसा दिया उसको ना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ना उसे रिटर्न कर रहे हैं कमाई, ना ही डिविडेंड दे रहे हैं, ना ही लाभ दे रहे हैं, ये सब जब फेल कर देंगे पूरा का पूरा, इसको कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग, ओवर कैपिटलाइजेशन। इसका भाई इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है कि भाई गुडविल खराब होता है, मार्केट प्राइस कम होता है, शेयर का मार्केट प्राइस कम हो जाता है,
और फिर से हम फ्रेश कैपिटल लेना चाहेंगे तो इजीली नहीं ले पाएंगे। अगर हम क्या करते ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल ले लिए जहां जहां से पूंजी लाए, जिसका इसका जो चीज रिटर्न करना था हम रिटर्न नहीं कर पाए, इसको कहेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हम पूंजी लिए जिसका जिसका जो इंटरेस्ट है वो दे दिए, जिसको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ दे दिए, इसे कहते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। इससे क्या फायदा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन से, कि मार्केट प्राइस अब शेयर बढ़ जाता है, गुडविल आपका अच्छा होता है, एक सोशल पावर बन जाता है, इजीली आप फ्रेश कैपिटल का अचीव कर पाते हैं। ये फायदा है अंडर कैपिटलाइजेशन। फिर हम डिफरेंस एक पढ़े हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस क्या है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच इज डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और कैपिटल। इक्विटी शेयर ऐसा शेयर है जो किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता है, जैसे डिविडेंड से संबंधित, पूंजी का पेमेंट से संबंधित, ये सब अधिकार को कैरी नहीं करता है। कौन सा? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल आर दो शेयर व्हिच इज कैरी प्रेफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड से संबंधित और कैपिटल से संबंधित एक प्रेफरेंशियल अधिकार को जो कैरी करेगा इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, ये परमानेंट बिजनेस में रहता है। प्रेफरेंशियल कैपिटल इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? वोटिंग राइट इक्विटी शेयर में इट रिक्वायर वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंशियल में नो वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। समझ पा रहे हैं? इक्विटी शेयर को बायबैक कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल को रिडीम कर सकते हैं। बायबैक माने अपना शेयर खुद खरीदना, मेरा शेयर हम खरीद लेंगे। इक्विटी शेयर को इजीली मार्केटेबल कर सकते हैं, इट इज इजीली मार्केटेबल। प्रेफरेंशियल इट इज नॉट इजीली मार्केटेबल। इक्विटी शेयर को आराम से किसी को दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल को बेच नहीं सकता। अच्छा, इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड फिक्स होता है। क्लियर है क्या? जिनको चाहिए थ्योरी आप लोग भाई मैसेज करिएगा, मिल जाएगा।